मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में तذکرہ करने लगा हूँ वो शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और वो शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि जिसने अल्लाह की ज़ात की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला भी बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक चोगा पहना हुआ था जिसके गिरेबान में अपने सीने पर बटन की बजाय कांटे लगा रखे थे। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सलाम पहुँचाया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या बात है कि मैं देख रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चोगा पहन रखा है जिसके गिरेबान में बटन की बजाय कांटे लगा रखे हैं। आपने फरमाया, ए जिब्राईल, अबू बकर अपना सारा माल फतह मक्का से पहले ही मुझ पर यानी मेरे दीन पर खर्च कर दिया। मेरे भाइयों, ये उस वक़्त का वाकया है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सारा घर का सामान समेट कर, यहाँ तक कि एक सुई भी दीवार पर नहीं छोड़ी, सब जाकर हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दिया। तो ये उस वक़्त की बात है, फरमाया कि मेरे दीन पर खर्च कर दिया। अब उनके पास इतना भी नहीं बचा के वो बटन लगा सके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अबू बकर को अल्लाह का सलाम पहुँचा दें और उनसे फरमाएं कि तुम्हारा रब तुमसे पूछ रहा है कि तुम अपने इस फ़कर में मुझसे राज़ी हो या नाराज़। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए अबू बकर, ये जिब्राईल हैं जो तुम्हें अल्लाह का सलाम कह रहे हैं, जो तुम्हें अल्लाह का सलाम कह रहे हैं। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम अपने इस फ़कर में मुझसे राज़ी हो या नाराज़। हज़रत अबू बकर सुनकर, मेरे भाई दोस्तों, ये सुनकर जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का सलाम पेश किया और अल्लाह ताला का पैगाम सुना, तो ये सुनकर वो जो है रो पड़े और कहने लगे कि मैं अपने रब से नाराज़ हो सकता हूँ भला, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, इस हालत में भी राज़ी हूँ। मेरे भाइयों, ये वो सहाबी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के बदन के कपड़े भी जो लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक आवाज़ लगाने पर, ये वो सहाबी हैं। फिर क्यों ना अल्लाह ताला जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है सलाम भेजे ऐसे सहाबी को जिसने हजूर की ज़ात के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के जो है घर का सारा माल। तो फिर क्यों ना अल्लाह का सलाम जो है ऐसी शख्सियत पर आए जिन्होंने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में जो है लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, हमें भी सबक दे गए। ये वो सहाबी थे जिन्होंने दीन के खातिर सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। अलैहि वसल्लम का नाम लेवा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करते हैं, और मेरे भाइयों, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर हर अदा जो मोहब्बत करने वाला है, जिस ज़ात से मोहब्बत करने वाला है, जिस शख्सियत से मोहब्बत करने वाला है, उसकी हर एक एक अदा को जो है अपनाता है, उसकी हर एक। हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर अमल करके जिंदगी